यादें तो बहुत सारी है। अभी उनके साथ में हम जब उनका नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन में हम यहाँ से गए हुए थे 21 तारीख में, और घर से अन्य कोई सदस्य नहीं जा पाया था। हम गए थे, सिस्टर गई थी दिल्ली से, भैया मिल गए थे। तो जैसे ही हमने वहाँ पे अंदर उनके कमरे में प्रवेश किया, तो वहाँ फोटोग्राफ चल रही थी और लोग बधाइयाँ दे रहे थे। जैसे उन्होंने मुझे देखा, तो वहाँ पे उन्होंने अपने प्रशासन के जो अधिकारी थे उनको रोक दिया। कहने लगे कि मेरा भतीजा आया हुआ है, तो उनको रोक दिया। जब मंत्री वगैरह बाहर खड़े हो गए और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ फोटोग्राफ्स लिए। कई सारी बातें और भी हैं, जैसे कि हम लोग पटना गए थे, पटना में हम लोग का इतना अच्छा ख्याल रखा, पूरा गया घुमाया, कुंडलपुर, राजगीर, बहुत कुछ घुमाया, और नालंदा। मेन ख़ास बात उनकी ये रहती है कि जब भी कभी अगर लंच लंच बने या फिर ब्रेकफास्ट बने, तो वो एक ही बनता है। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग कुछ दूसरा खाएं वो दूसरा खाएं, ऐसा कुछ नहीं। जो वो खाते हैं वही हम लोग को भी खिलाते हैं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हम जब देखते हैं, सुबह जाते हैं टहलने रेलवे स्टेशन के पास में, तो सुबह एक ट्रेन आती है 6:30 बजे कानपुर की तरफ। उसमें कई सारे बेरोजगार पढ़े लिखे व्यक्ति कानपुर आते हैं 6-7-8 हज़ार की जॉब के लिए। तो क्योंकि चक्कर ये है कि हमारा जो झींझक है अभी भी विकास क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। चाचा जी के पास हम जाएंगे तो ये मांग जरूर रखेंगे कि या तो एक वहाँ पर एक मास्टर प्लान हो जाए, जिससे कई सारी कंपनियाँ वहाँ अगर निवेश करेंगी, तो हमारे जो झींझक के जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, और हमारा देश जो प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता रहेगा।